डेली रूटीन की क्लीनिंग जिसमें झाड़ू पोछा डिश वॉशिंग वगैरह के अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्लीनिंग टास्क होते हैं जिनको खामखा हमने ये सोचकर निगलेक्ट किया होता है कि कोई स्पेशल टाइम निकालेंगे तो ही ये काम हो पाएंगे। बट बिलीव मी गाइस, यू जस्ट हैव टू फॉलो 10 मिनट्स रूल्स, येस, एंड यू कैन डू दीज टास्क एफर्टलेसली विद फुल ईज एंड विद इन नो टाइम। मैं तो यही रूल्स फॉलो करती हूँ तो मेरे घर के सारे काम जो हैं जो पेंडिंग पड़े होते हैं आराम से हो जाते हैं और मेरी सेल्फ केयर भी हो जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम everyone, welcome to Womania ATF. सबसे first and foremost काम जो मैं सब homemakers को always suggest करती आई हूँ वो है एक healthy kickstart. जी हाँ, चाहे वो 5 मिनट की बॉडी स्ट्रेचिंग ही क्यों ना हो, मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन हमेशा 30 मिनट्स के वर्कआउट से ही स्टार्ट करती हूँ। सारा दिन एक्टिव, एनर्जेटिक और स्ट्रेस फ्री रहता है और वो काम करने को दिल करता है जो हमने किसी ना मिलने वाले फ्री टाइम के लिए स्पेयर करके छोड़े होते हैं। वर्कआउट के बाद एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना लाजमी है। बॉडी को फ्यूल नहीं मिलेगा तो सारा दिन कैसे काम कर पाएंगे हम प्रॉपरली हर काम को मैनेज करने के लिए। तो ये विदाउट शुगर और स्किम्ड मिल्क के साथ मैंने हेल्दी शेक का एक ग्लास ले लिया तो ये मेरी एक हेल्दी प्रॉपर ब्रेकफास्ट हो गया। इसके अलावा मुझे कुछ खाने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फौरन। तो सबसे पहला टास्क जो था वो है शाइनी और स्पॉटलेस सर्फेसेज। अब सर्फेसेज कुछ भी हो सकते हैं, हमारे काउंटर टॉप्स हो सकते हैं, हमारी अप्लायंसेज हो सकती हैं, टेबल टॉप्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना वक्त के साथ साथ इनके ऊपर डस्ट पड़ जाती है, इनके ऊपर स्पॉट्स पड़ जाते हैं और एक ना ग्लॉस सी ख़त्म हो जाती है। जैसे आंधी आई थी तो ये मेरी नेस्टिंग टेबल का सेट जो है ना बिल्कुल गंदा हुआ पड़ा था और डाइनिंग का भी सर्फेस एट टाइम्स गंदा हो जाता है। तो उसके लिए एक DIY सॉल्यूशन बना लेते हैं। इतना ज़बरदस्त मैजिकल ये सॉल्यूशन है ना, आप इसको यूज़ करेंगे तो ऐसा ग्लॉस आएगा ना आपके सारे सर्फेसेस पर कि आप हैरान हो जाएंगे, लगेगा जैसे आपने पॉलिश कराया है। तो बस टैल्कम पाउडर कोई भी ले लें, अगर आपके पास एक्सपायर्ड है वो ले लें, अदरवाइज़ ये कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर है, थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड है और सैनिटाइज़र है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ये ऑप्शनल है। बस इन सारी चीज़ों को ना एक लीटर पानी में मैंने मिक्स कर लिया थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी डालकर। और ये टेलकम पाउडर जो है ना ये असल में मैजिक करेगा, ये हमारे सर्फेसेस को ग्लॉसी बना देता है बिल्कुल। इसके अंदर कुछ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस तो ऑब्वियस है आती है, लेकिन जिसका मेन पर्पज़ है ना वो हमारे सर्फेसेस को शाइनी और ग्लॉसी लुक देना है। तो बस इसको मैंने ना इस तरह की शाल बॉटल जिसके ऊपर नोज़ल जो है थोड़ी सी मोटी लगी होती है, थोड़ा बिल्कुल स्प्रे की तरह नहीं निकलता, ड्रॉप वाइज निकलता है, तो इस तरह ये पाउडर जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होता ना पानी में, तो इस तरह की बॉटल बहुत अच्छी रह जाती है। पहले तो इस तरह से हम इसको सारे सॉल्यूशन को अप्लाई करके ना अपने अप्लायंसेस पे हर चीज़ पे क्लियर कर लेंगे। फिर एक कॉटन का ना फ्लीस का, ये बच्चों की एक शर्ट थी, बहुत अच्छा मटेरियल होता है, बड़ा अच्छा ये ग्लॉस दे देता है। तो उसके बाद अब ये देखें कि इसके साथ मैंने रब किया, अब आप सर्फेस देख लें कितना शाइनी और ग्लॉसी हुआ पड़ा है और इस तरह लग रहा है कि जैसे मैंने बाजार से इसको पॉलिश कराई है। तो एक दो वीक के बाद ये काम कर लेना कोई इतना बिग डील नहीं होती। इसी तरह ये अप्लायंसेज आप देख लें, ब्लैक होने की वजह से इसके ऊपर स्पॉट्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, तो इनके ऊपर भी यही मैंने DIY सॉल्यूशन अप्लाई किया। और उसके बाद बस ये वाइप के साथ पहले अप्लाई करके फिर वो कॉटन का जो क्लॉथ है, ड्राई क्लॉथ लेना है आपने, जितना ड्राई होगा उतना ही रब करके ना तो शाइन और ज़्यादा आएगी। तो ये देखें, ये भी ब्लैक होने की वजह से, एयर फ्रायर भी बच्चों के हाथ लगने की वजह से इतना गंदा हो जाता है ना फौरी तौर पर, तो मुझे इसको क्लीन करना होता है। अब इस तरह का DIY सॉल्यूशन अप्लाई करके जब मैंने इसको साफ़ किया तो आप इसकी ग्लॉस चेक कर ले, बिल्कुल न्यू की तरह लग रहा है ना। तो ये अब बड़े आसान काम होते हैं, 10 मिनट्स लगे थे मुझे, ये सारा हो गया था। और इसी के साथ साथ ये आंधी के साथ नेस्टिंग टेबल्स थी, इनके ऊपर भी डस्ट आई हुई थी और स्क्रैचेस भी लगते हैं ना अगर डस्ट रह जाए थे। बस इसी तरह का यही DIY सॉल्यूशन मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया अच्छे से और वाइप कर लिया इनको। और उसके बाद इसी तरह जैसे बताया आपको कि कॉटन का साफ कपड़ा लेकर उसके ऊपर मैंने इस तरह रब कर दिया, मुझे 5 मिनट्स नहीं लगे, जितनी देर में मैं आपसे बात कर रही हूँ ना इतनी देर में ये हो भी गया था। तो ये देखें, फर्नीचर में भी ना ब्राउन वुडन होने की वजह से उसमें भी ये खास एक ग्लॉस सा आ जाता है, सरफेस तो शाइनी हो ही जाता है लेकिन हमारा जो वुडन फर्नीचर है ना उसके ऊपर भी बड़ी अच्छी चमक आ जाती है। तो आप भी अपने फर्नीचर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कितना ईजी हो जाता है ना हमारी चीज़ों को क्लीन करना। अब हमारी जो डाइनिंग टेबल है ना उसका भी, मेरी डाइनिंग का टॉप चूँकि मार्बल का है, आपके ग्लास के भी हो सकते हैं और इवन वुडन भी हो सकते हैं, इन सब पर ये जो DIY सॉल्यूशन है ना बहुत ही मैजिकल वर्क करता है। इसको अप्लाई करके बस हमने ना साफ़ कपड़े से इसको जो साफ़ करना है ना बस उसको आप रब करते रहें कपड़े को अच्छे से, जितना आप रब करेंगे ना उतनी ज़्यादा उसमें शाइन और ग्लॉस आएगी। अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ों के इमेजेस नज़र आ रहे हैं और ये मार्बल टॉप जो है कितना ग्लॉसी और शाइनी हो गया है।
तो ये छोटे छोटे रूल्स अप्लाई करने से ना 10 मिनट्स रूल हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, हमारा घर खूबसूरत हो जाता है और चीज़ें भी रखी हुई अच्छी लग रही होती हैं। आई होप यू विल लाइक दिस आइडिया। इसी तरह वॉशरूम में भी ना बहुत ज़्यादा स्मेल के मुझे आ रहे थे कमेंट्स के स्मेल हो जाती है। पता क्या होता है, हम अपने जो डस्ट पैन्स होते हैं ना उनको हम प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पा रहे होते समटाइम्स, तो उससे भी स्मेल हो जाती है। बाकी की वॉशिंग तो डीप क्लीनिंग मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ वॉशरूम की, लेकिन जो डस्ट पैन्स होते हैं ना इनको एक हफ्ते के बाद आप इस तरह से ना वॉश कर लिया करें, और वॉश करने के बाद आपने इनको ड्राई करने के लिए ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर ड्राई नहीं होंगे फिर मॉइस्चर की वजह से उनमें स्मेल बन जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए इस तरह टिल्ट करके रख देंगे ना तो वो ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यही पाउडर जो मैंने पहले यूज़ किया था ना, अगर एक्सपायर है या ये इतना ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं होता, हम नॉर्मल रूटीन का भी ले लेंगे, तो उसको इस तरह सरफेस के ऊपर डालकर बेस पे, पेपर बैग्स रूटीन में जो आते हैं ना बेस के साइज़ का काट कर पॉली बैग के अंदर इस तरह उसकी बेस पे रख कर बस इसको मैंने इसके साथ फिक्स कर दिया। तो उससे क्या होगा, एक तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब रहेगा इस पेपर बैग की कटिंग की वजह से, और ये पॉली बैग जब हम चेंज करते रहेंगे ना और ये जो पाउडर हमने डाला है इसकी स्मेल की वजह से ना बिल्कुल हमारे वॉशरूम में स्मेल नहीं आएगी। तो बस ये रूल मैं फॉलो करती हूँ अपने वॉशरूम की जो स्मेल है उसको ख़त्म करने के लिए। समटाइम्स हमारे ड्रॉर्स जो होते हैं इतने क्लटर्ड हुए होते हैं, जब हम उनको हाथ नहीं ना लगा रहे होते, 3-4 हफ्ते गुजर जाते हैं तो इस तरह का मेस क्रिएट हो जाता है, तो हम कहते हैं यार कहाँ से टाइम निकालें और फिर इनको साफ़ करें। बहुत सारी बेगमात मुझे मैसेज करती है और मुझे हैरानी होती है कि वो घरों में करती क्या रहती हैं। वो कहती हैं यार आप बहुत फ्री हो, मुझे ये बताएं कि 10 मिनट्स के अंदर अगर मेरा घर डी क्लटर और ऑर्गेनाइज हो जाता है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं अपनी ही आसानी के लिए और बाकी लोगों की आसानी के लिए चीज़ों को इस तरह ऑर्गेनाइज़ करके रख दूंगी। तो मुझे उन औरतों की समझ नहीं आती जो मुझे फ्री बोल रही होती हैं। अब आप बताएं, 2 मिनट मैंने बात की और मेरा एक जो ड्रॉअर है वो तो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज हो गया। अब आप बताएं, पहली लुक देख लें और बाद वाली देखें और आप मुझे बताएं कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है। अब 10 मिनट्स लगाने में आपको कोई मसला आ रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। तो उसके बाद जब हम लॉन्ड्री करते हैं ना तो फौरी तौर पर ये थोड़ी होता है कि हम प्रेस करने बैठ जाते हैं कपड़ों को, तो उसका बड़ा क्लटर हो जाता है, विजुअल क्लटर होता है हमारे जो लॉन्ड्री के कपड़े होते हैं ना। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सिर्फ मुझे 10 मिनट्स लगते हैं बैठ कर ना एक दफ़ा मैं सेग्रीगेट कर लेती हूँ सारे कपड़े, क्योंकि सारे एट टाइम्स थोड़ी प्रेस होने होते हैं। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमने सिंपल तय लगानी होती है, कुछ को हमने वैसे ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके ड्रॉअर में रखना होता है, जैसे ये बेडशीट्स हैं, अब इनको तो हम प्रेस करने से रहे, अब इनकी बस तय लगाकर इनके पिलोज़ की आप देख रहे हैं जिस तरह भी आपको मुनासिब लगे बस इस तरह से तय लगाएं। ये बेडशीट जो थी ये चारों तरफ से लास्टिक वाली थी, ज़रा इसको थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल था, बस सारे को मैंने तय लगाई है। अब एक लास्ट वाला पिलो पकड़ा है, ये 4 पिलोज़ का सेट है, तो लास्ट वाला पकड़ कर उसके अंदर बाकी चीज़ें मैंने एडजस्ट करके रख ली और ये मेरी बेडशीट तो फौरी तौर पर हो गई मैनेज। उसके बाद टॉवल्स भी नहीं इस्त्री होते तो हम उनको इस तरह से रोल करके रख लेते हैं। फिर बच्चों के ये जो अंडर गारमेंट्स होते हैं ना इनको ये गुम बहुत जल्दी जाते हैं, कभी किसी की सॉक्स नहीं मिल रही होती, किसी का अंडरवेयर नहीं मिल रहा होता, किसी की वेस्ट नहीं मिल रही होती, हज़ार बन गुमा होता है। तो मैं ना सबसे पहले तो इन सबको ना अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ और उसके बाद इनको पकड़ती हूँ और जाके इनकी ड्रॉअर में ना इनकी स्पेसिफिक जो जगह है ना उसके ऊपर रख देती हूँ। तो कभी हार्डली ऐसे हुआ होगा कि मेरे बच्चों के अंडर गारमेंट्स सॉक्स वगैरह कहीं इधर उधर मिसप्लेस हुए हों। तो जो प्रेस वाले कपड़े हैं ना उनको इस तरह आप एक कार्टन में डालकर बस सिंपल सी तय लगा कर रख दें, तो जब आप प्रेस करेंगे ना तो ईजिली इन सारे चीज़ों को ना आप पकड़ सकेंगे और क्लटर भी नहीं होगा। और बेडशीट्स को जाकर अपनी जगह पर रख दिया, टॉवल को भी जाकर अलमारी में रख दिया, कितना क्लटर समेटा गया ना हमारा, तो सिर्फ 10 मिनट में ये काम मेरा हो गया। अब मैंने अपनी सेल्फ केयर थोड़ी भूलनी है, वो तो मैं कभी भी नहीं भूलती। अब सारे काम करने के बाद थोड़ा सा मुझे रिलीफ चाहिए, उसके लिए आप मुझे पूछते हैं ना कि आपके ये, मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि आप अपने हाथों की केयर कैसे करती हैं, अपने पाँव की कैसे करती हैं। तो आजकल गर्मी बहुत है, टैनिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, ज़रा सा बाहर निकलो और टैन हो जाता है। तो उसके लिए बस ये 2 चम्मच बेसन, और वो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था ना रोज़ पेटल्स मैंने ड्राई की थी, हाफ मैंने मसाला चाय में डाली थी और हाफ मैंने आपसे कहा था कि डी टैन मास्क बनाऊंगी, तो बस ये इसमें कॉफ़ी डाली, टर्मरिक डाली, 2 स्पून जो है वो दही के डाले और थोड़ा सा रोज़ वाटर डाला, इतना डाला कि बस इसकी कंसिस्टेंसी अप्लाई करने वाली हो जाए, लाइक बहुत ज़्यादा फ्लोई भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना, हार्ड भी ना हो के अप्लाई ना हो सके। तो बस उसके साथ साथ आपने रोज़ वाटर इस तरह से डालना है। तो इस तरह की कुछ हमें कंसिस्टेंसी जब मिल जाएगी ना, अब ये
अप्लाई करने के लिए रेडी है। और इसमें मुल्तानी मिट्टी भी मैंने डाली थी, मैं आपको बताना भूल गई। तो बस इसको अब आपने अपने फेस पर, अपने नेक एरिया पर, अपने हाथों पैरों पर, हर जगह पर जहाँ पर भी आपको लगे कि टैनिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई है और आप उसको अप्लाई करेंगे ना, तो आप मैजिक होगा ये, आप देखेंगे अभी आगे चल कर के। मैंने इसको अप्लाई किया अच्छे से और मुझे मेरा ख्याल है 5 to 10 minutes नहीं लगे थे, क्योंकि कोई भी चीज़ ब्लीच हो, वैक्स हो, मैं लगा कर ना इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझसे बिल्कुल नहीं होता। तो मैं इसको पहले तो लगा नहीं रही थी, लेकिन 10 minutes में ना ये ड्राई हो गया, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है। तो बस इस तरह हाथ से मैंने इसको ना ड्राई रब कर दिया, मैंने इसको पानी से वॉश नहीं किया, जब सारा जितना भी निकल सकता था ड्राई रब से, तो उसके बाद फिर इसको मैंने ना वॉश कर लिया। और आप यकीन करें, आप देखते जाएं कि अब इसका ये कितना मैजिक है, और मेरी ये स्किन बिल्कुल क्लियर, साफ, स्मूथ, शाइनी हो गई है और किसी किस्म की टैनिंग नहीं रही। और फेस को भी एंड पे मैंने इस तरह से वॉश कर लिया, हाथों को वॉश कर लिया, अब आप देख सकते हैं। तो ये है सिंपल सी मेरी स्किन केयर, कोई मैं ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स लेना नहीं चाह रही होती, ना मैं उस तरफ जाती हूँ, ना मैं किसी को रेकमेंड करती हूँ। बस घर में मौजूद ये विटामिन सी सीरम है, उसके बाद ना इस किस्म की रेमेडीज़ के बाद कोई भी हमारे पास ऐसा कोई भी क्लींजिंग लोशन है या कोई भी इस तरह का, तो आप अपने फेस पर भी अप्लाई कर लें, नियासिनामाइड अप्लाई कर लें, विटामिन सी अप्लाई कर लें, एंड दैट्स इट, यू आर सॉर्टेड। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। जी, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये सारे काम करने के लिए जस्ट 10 minutes आर रिक्वायर्ड। सारे दिन में जब भी एक काम हो या दूसरा हो, ये 10 minutes निकालना कोई इतनी बिग डील नहीं है, ना तो हाउसवाइफ्स के लिए और ना ही हमारी वर्किंग लेडीज़ के लिए। सो गाइज, आई विल श्योरली वेट फॉर योर कमेंट्स। डू सब्सक्राइब माई चैनल if you like this video, like and share, and stay connected for more. Thanks for watching. Allah Hafiz.